हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे थे, हमने स्केलेटल सिस्टम हमारा देख लिया था जिसका एक पार्ट था, और एक पार्ट के अंदर हमने जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन सी हड्डियाँ रहेगी वो सभी हमने इसके अंदर देख ली थी। आज हम आगे बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर की कौन कौन सी हड्डियाँ रहेगी उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब भी बात आती है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की, तो मैंने बताया था इसके अंदर बात करेगा ये किसकी, यानी कि यहाँ पे लिम्बोन की और ग्रिडल्स की। अब लिम्बोन क्या होते हैं, जहां पे भी लिम्बोन का नाम आ जाता है यानी कि वो बात कर रहा है किसकी, हमारे हाथों की और हमारे पाओं की, क्लियर है। तो इन चीजों के बारे में क्या है ये बात करेगा, तो इसके अंदर हड्डियां देखेंगे हम किसकी, हमारे हाथों की हड्डियां और हमारे पाओं की हड्डियां। दूसरा, अब ये जो हाथ और पांव है ये जुड़े किसके साथ में हुए हैं, तो वो जुड़े हुए हैं ग्रिडल के साथ में यानी कि मेखलाओं के साथ में, तो बात करेगा किसकी, मेखलाएं की, क्लियर है। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे डिटेल के अंदर। अभी बात करते हैं कि जो हमारा लिम बोन है इसके अंदर हड्डियां कौन कौन सी आ जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे लेग की और हमारे हैंड की, ठीक है। हैंड हमारे यानी कि हाथों की हड्डियां देखेंगे और लेग हम यानी कि हमारे पांव की हड्डियां देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर ले लेग की, सॉरी, सबसे पहले बात कर ले हम यहां पे हैंड की यानी कि हाथों की हड्डियां देख ले, ठीक है। पहले बात करेंगे हैंड की, हैंड बोन। हैंड बोन, ठीक है, यानी कि हमारे हाथों की हड्डियां, लिख देंगे यहां पे हाथों की हड्डियां, हाथों की हड्डियां, ठीक है। देखेंगे यहां पे हमारे यानी कि हाथों की हड्डियां। अच्छा, हाथों की हड्डियां है हमारी, अब क्या क्या रहेगा इसके अंदर, तो देखिए सबसे पहले जो फेज है हमारा ये शुरू होता है यहां से, ठीक है, हाथों से, ठीक है। हाथों के अंदर अब यहां पे हम देखेंगे यानी कि उंगलियां है, उंगलियों की संख्या कितनी है, चार है, और हर एक उंगली है उसके अंदर हड्डियां है हमारी कितनी, तीन, एक दो तीन, ठीक है, एक दो और एक तीन, तीन हड्डी बनाती है एक उंगली, उंगलियां कितनी हुई, चार। तो 12 हड्डियां होगी हमारी किसके अंदर, उंगलियों के अंदर। दो हड्डियां बनाती है आपकी ये अंगूठा, एक हड्डी और दूसरी हड्डी ये, तो टोटल होगी 12, और दो इनको हम काउंट कर लेंगे 14। 14 हड्डियां बनाता है हमारा कौन भाई, ये वाला पोर्शन, ठीक है। बोलेंगे क्या इसको, इसको बोलेंगे फैलेंजिस, इनको बोलेंगे फेलेंजिस। फेलेंजिस या फिर डिजिट, फेलेंजिस बोल देंगे या फिर डिजिट बोल देंगे, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे उंगलियों की हड्डियां, उंगलियों की हड्डियां, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे उंगलियों की हड्डियां। और हड्डियों की संख्या यहाँ पे हमारी कितनी होगी, 12 और 2 बताया मैंने, कितनी होगी, 14। 14 हड्डियां होगी हमारे मिली, कहाँ पे मिली, फैलेंजिस के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, आगे किसके अंदर, ये वाला, इनको क्या है आप फोल्ड कर लीजिए, ये वाला पोर्शन आएगा। आप इसको बोलेंगे क्या और इसके अंदर हड्डियां कितनी होगी, तो देखिए हर एक उंगली यहाँ पे क्या है, एक हड्डी बनाएगी, चार हड्डी ये बनाएगी, एक हड्डी बनाएगा अंगूठा, कितनी होगी, पांच। अब इस पोर्शन को बोलेंगे क्या, और हड्डियां रहेगी हमारी यहाँ पे कितनी, पांच। तो देखिएगा इसको बोलेंगे हम यहाँ पे मेटा कार्पल, ये रहेगा हमारा मेटा कार्पल, ठीक है, मेटा कार्पल रहेगा। हिंदी में भी ये क्या है हमारा, सेम रहेगा, बोलेंगे मेटा कार्पल, मेटा कार्पल, ठीक है, मेटा कार्पल रहेगा। हड्डियों की संख्या हमारी कितनी रहेगी, पांच रहेगी, ठीक है, हड्डियों की संख्या हमारी कितनी रहेगी, पांच। तो पांच हड्डियां रहेगी हमारी कहां पे, इनके यानी कि इस पोर्शन के अंदर। अब इसके बाद ये कलाई वाला हिस्सा आ जाता है, ठीक है। इस कलाई वाले हिस्से को जैसे कि हम क्या है इस तरीके से मूव करवा सकते हैं। तो अब ये घूम रहा है, आपने बैरिंग देखा होगा जो पूरा 360 घूमता है। अब वो क्यों घूम पाता है, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल सफेरिकल गोलिया होती है, ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर भी गोल हड्डियां होती है। बिल्कुल सफेरिकल तो नहीं होगी, अगर बिल्कुल सफेरिकल होती तो ये भी कितना पूरा 360 घूम पाता, लेकिन ये बिल्कुल गोल नहीं है, थोड़ी बहुत गोल है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है ये इस तरीके से मूव कर पाता है। अब इस पोर्शन को, कलाई वाले पोर्शन को बोलेंगे क्या और हड्डियां कितनी रहती है, तो देखिएगा इसको बोलेंगे हम यहाँ पे कार्पल, कार्पल, ठीक है, और हड्डियां यहां पे कितनी रहेगी वो भी हम देखेंगे।
हिंदी और इंग्लिश के अंदर हमारा सेम रहेगा कार्पल, ठीक है। इसको बोलेंगे हम कार्पल, और हड्डिया यहां पे हमारी रहेगी कितनी, आठ। आठ हड्डिया यहां पे आपको क्या है देखने के लिए मिलेगी। अब आगे चलिए, जब इसके कलाई से लेकर के और आगे यहां तक जब आप चलोगे तो यहां पे दो हड्डिया आपको क्या है मिलेगी। अब दो हड्डिया कौन कौन सी, चलिए देखते हैं उनको भी। एक मिलेगी रेडियस और दूसरी उल्ना, एक रेडियस और दूसरी उल्ना, ठीक है। हड्डियां मिलेगी कितनी, मिलेगी दो। हिंदी और इंग्लिश के अंदर ये हमारा सेम रहेगा, एक रहेगा रेडियस और दूसरी उल्ना, ठीक है, दूसरी उल्ना, एक रेडियस और दूसरी उल्ना। हड्डियों की संख्या हमारी कितनी हो गई, दो हो गई, क्लियर है। अब यहां से आगे चलिए, यहां से लेकर के और यहां तक एक बड़ी हड्डी मिलेगी आपको, सिर्फ एक ही हड्डी है ये, और नाम क्या है इसका, चलिए वो भी देखेंगे। इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस, इसको बोलेंगे हम क्या, ह्यूमरस। और हड्डियों की संख्या कितनी, एक। हिंदी हो या इंग्लिश ये हमारा सेम ही रहेगा, बोलेंगे ह्यूमरस, ठीक है। हिंदी हो या इंग्लिश सेम रहेगा, क्या बोलेंगे, ह्यूमरस, ठीक है। अब इनको काउंट करते हैं कि हमारी जो हड्डियां हैं वो हमारी कितनी हो गई है, तो देखिएगा यहां पे हो जाएगी हमारी 14 और 8 22, 22 और 22 और 2 ये हो जाएगी हमारी कितनी 24, 24 और 6 30, 30 हड्डियां मिल गई हमें एक हाथ के अंदर। और अब जो हाथ है हमारे, हाथों की संख्या कितनी है, ये इस हाथ की मिली है हमें सिर्फ, ठीक है, लेकिन हमें किसकी देखनी है, यानी कि दोनों हाथों की देखनी है, तो दोनों हाथों को क्या है हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से, दो से, तो कितनी हो गई, 60 हो गई। तो हमें हैंड के अंदर मिली कितनी हड्डिया होगी हमारी, 60, ठीक है। तो 60 हड्डिया हमें क्या है इसके अंदर मिल गई है। अब आगे बात करते हैं, चलिए देखेंगे लेग के अंदर कि लेग के अंदर हमें कौन कौन सी हड्डियां मिलेगी और कितनी हड्डियां मिलेगी, चलिए उनके बारे में भी हम क्या है बात करते हैं। यहाँ पे हैंड की जगह हम कर देंगे लेग हो जाएगा हमारा, और हाथों की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे पाँव, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा लेग बोन, लेग बोन, और हिंदी में लिख देंगे पाँव की हड्डियाँ, पाँव की हड्डियाँ, ठीक है। अब इनके अंदर भी क्या है हमारा, बिल्कुल सेम रहेगा, जो पाँव है पाओं के अंदर भी उंगलियों की संख्या है वो चार है, क्लियर है, और एक वहां पे भी क्या है, अंगूठा है। अब जो पाओं की उंगलियां नीचे पाओं के अंदर, उनके अंदर भी हर एक उंगली के अंदर हड्डियों की संख्या हमारी कितनी है, तीन है, ठीक उसी प्रकार से उंगलियां चार, तो कितनी होगी, 12 यहां पे क्या है हड्डियां होगी किसके अंदर, हमारी उंगलियों के अंदर, दो रहेगी नीचे पाओं के अंगूठे के अंदर, तो टोटल कितनी होगी, ये होगी हमारी 14 यानी कि 14, तो सेम रहेगा हमारा। बोलेंगे क्या इनको, इनको बोलेंगे फैलेंजिस या फिर डिजिट, और हड्डियों की संख्या हमारी कितनी होगी, 14, क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से अब हम आगे चलेंगे, जब मैं हाथों की बात कर रहा था, हाथों के अंदर हमारा ये वाला पोर्शन आ रहा था, क्लियर है। अब यहां पे हमारा कौन सा पोर्शन आ जाएगा, पांव का, ये जो स्लोप होती है इस प्रकार से, वो वाला पोर्शन क्या है आ जाएगा। अब उसके अंदर भी हर एक पांव की उंगली एक हड्डी बनाएगी, तो चार हड्डियां बनाएगी उंगली, और एक हड्डी बनाएगा कौन, हमारा अंगूठा, तो वो ही रहेगी हम, यानी कि सेम रहेगी, कितनी होगी, पांच। और बोलेंगे क्या इसको, इसको बोलेंगे मेटाटार्सल, इसको बोलेंगे मेटाटार्सल, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश के अंदर ये भी सेम रहेगा हमारा, लिख देंगे मेटाटार्सल, मेटाटार्सल, ठीक है। और हड्डियों की संख्या हमारी कितनी हो गई, पांच हो गई, क्लियर है। अब इसके बाद आता है हमारा जो पांव की कलाई है, जिसकी हेल्प से हम क्या है पांव को मूव करवा पाते हैं, यानी कि हिला पाते हैं। अब उसके अंदर हमारी हड्डियां कितनी है और बोलेंगे क्या उस पोर्शन को, ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। इसको बोलेंगे हम यहां पर क्या, टार्सल, जो पांव की हमारी कलाई होती है उसको, ठीक है, क्या बोलेंगे, टार्सल। हिंदी हो या इंग्लिश ये हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है, क्या बोलेंगे, टार्सल, ठीक है, टार्सल। अब इसके अंदर हड्डियां कितनी रहेगी, इसके अंदर हड्डियों की संख्या रहेगी हमारी कितनी,
सात, तो सात हड्डियां क्या है हमें देखने के लिए मिलेगी, कहां पे देखने के लिए मिलेगी, हमारे जो पांव की कलाई है उसके अंदर। अब पांव की कलाई से लेकर के और घुटने तक चलिए, जब हम पांव की कलाई से लेकर के और घुटने तक चलेंगे तो वहां पे हमें क्या है, दो हड्डियां देखने के लिए मिलेगी। अब कौन कौन सी, एक टेबिया ठीक है, और दूसरी फिबुला, एक टेबिया दूसरी फिबुला, एक टेबिया मिलेगी और दूसरी कौन सी मिलेगी, फिबुला ठीक है। ये हो जाएगी हमारी क्या बोलेंगे इसको, टेबिया और दूसरी फिबुला, दूसरी फिबुला ठीक है, एक टेबिया और दूसरी फिबुला। हड्डियों की संख्या हमारी कितनी होगी यहां पे, हड्डियों की संख्या होगी हमारी दो, दो हड्डियां मिलेगी हमें यहां पे, क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से जब हम आगे चलेंगे तो ये जो हमारा घुटना होता है और घुटने की जो कटोरी होती है, एक हड्डी क्या है हमें वो कटोरी वाली मिलेगी ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे पैटल या फिर पैटेला, या तो पैटल बोलेंगे या फिर पैटेला ठीक है, या तो पैटल बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, पैटेला बोलेंगे ठीक है, और हिंदी में इसको बोल देंगे हम पैटल। एक हड्डी हमारी ये रहेगी ठीक है, तो ये कितनी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ एक हड्डी रहेगी जो कटोरी वाली हड्डी होती है हमारी घुटने के अंदर, क्लियर है। जब हम इससे ऊपर चलेंगे घुटने से लेकर के और यहां पे ऊपर तक ठीक है, तो एक हड्डी मिलेगी हमें। अब उस एक हड्डी का नाम क्या है, इस हड्डी को बोलते हैं यानी कि हमारी बॉडी की क्या होगी, लॉन्गेस्ट बोन होगी, और हमने पढ़ा था हमारी जो लॉन्गेस्ट बोन है वो कौन सी है, फीमर, तो ये होगी हमारी फीमर, द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी ठीक है। कितनी होगी ये, एक रहेगी, हिंदी हो या इंग्लिश हड्डियों की संख्या यहां पे सेम ही रहेगी, क्या हो गया हमारा, फीमर ठीक है। तो एक हड्डी ये होगी, जब हम इसको टोटल करेंगे चार चार और ये होगी हमारी 21, 21 और हमारी कितनी होगी 26, 26 और चार हमारी ये कितनी होगी 30, 30 हड्डियां मिल जाएगी हमें कितने, यानी कि एक पांव के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दो से, क्योंकि पांव की संख्या कितनी हमारी दो है, तो हड्डियां हमारी टोटल कितनी हो गई, 60 हड्डियां हमें क्या है पांव के अंदर देखने के लिए मिलेगी, क्लियर है। तो इस तरीके से हाथ के अंदर और पांव के अंदर टोटल हमारी जो हड्डियां हैं वो हमें इस तरीके से मिल जाएगी ठीक है। तो 80 हमें यहां पे मिल गई थी, 120 मिल गई हमें यहां पे, तो टोटल होगी हमारी कितनी, 200 हड्डियां। अब आगे बात करेंगे जो 6 हड्डियां रहेगी वो हमें कहां पे मिलेगी और किस प्रकार से मिलेगी, चलिए उसको देखते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा ग्रिडल वाला पोर्शन, यानी कि ग्रिडल यानी कि मेखलाएं, तो चलिए देखेंगे इसके अंदर हमारी कौन कौन सी हड्डियां आ जाएगी, इसको लिखेंगे हम ग्रिडल्स, ग्रिडल्स यानी कि मेखलाएं। और जो ग्रिडल्स है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक हो जाएगा पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, जिसके साथ हमारे, लिख देंगे यहां पे, जिसके साथ हमारे हाथ जुड़े हैं, जिसके साथ हमारे हाथ जुड़े हैं ठीक है। दूसरा एक रहेगा पैल्विक, पैल्विक गर्डल्स ठीक है, पेल्विक गर्डल्स कौन से होंगे, यानी कि जिसके साथ हमारे पांव जुड़े हैं, जिसके साथ साथ हमारे पांव जुड़े हैं, पांव जुड़े हैं ठीक है, जिसके साथ हमारे क्या है, पांव जुड़े हैं, क्लियर है। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले जो जहां से हमारे हाथ जुड़े हैं, तो इसके अंदर कौन कौन सी हड्डियां रहेगी वो देख लेते हैं। देखिए एक हड्डी यहां पे रहेगी, ये वाली हड्डी ठीक है, और एक हड्डी यहां पे रहेगी, जैसे छोटे बच्चों के अंदर नहीं बोलते कि हसली वगैरह डिग गई या कुछ, और यहां पे, तो ये वाली हड्डी ठीक है, तो एक हड्डी यहां पे रहेगी मोटी हड्डी और एक हड्डी यहां पे रहेगी, तो ये दो हड्डियां होगी ठीक है। अब इनको बोलेंगे क्या,
चलिए वो भी देख लेते हैं। तो ये कहते हैं कि जो ये वाली हड्डी है ये हमारी बॉडी की क्या है, आकर्षण का केंद्र, यानी कि हमारी सुंदरता बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, तो ये वाली हड्डी होगी। दूसरा ये बोलते हैं कि ये वाली हड्डी कहाँ पे, इस कॉलर के नीचे आती है, तो इसको हम कॉलर बोन भी बोल देते हैं, या तो क्या बोलेंगे ब्यूटी बोन या फिर क्या बोलेंगे कॉलर बोन। ठीक है, तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ब्यूटी बोन या फिर कॉलर बोन। ठीक है, तो हड्डियों की संख्या कितनी होगी, तो मैंने बताया एक इस साइड और एक इस साइड, हड्डियों की संख्या होगी हमारी कितनी, दो। दो हड्डियां हमारी रहेगी यहां पे। आगे बात करते हैं अब हम इसके बाद में। ठीक है, तो देखिए एक हड्डी मिलेगी यहां पे हमें पीछे। ठीक है, ये जो हमारा हाथ है और इस हाथ के साथ यहां पे जो ये हड्डी बना रही है, एक ये हड्डी जिसको बोलते हैं हम यहां पे ट्रायंगुलर बोन, त्रिकोण हड्डी हमें क्या है यहां पे मिलेगी। ठीक है, तो एक हड्डी इसके पीछे मिलेगी, दूसरी हड्डी इसके पीछे मिलेगी, तो टोटल कितनी होगी, दो हड्डियां होगी। बोलेंगे क्या इनको, बोलेंगे ट्रायंगुलर बोन, ट्रायंगुलर बोन। ठीक है, या फिर एक दूसरे नाम से भी हम इनको जानते हैं, स्कैपुला, स्कैपुला। ठीक है, तो ये टोटल हड्डियां हमारी कितनी हो गई, दो हड्डियां हो गई ये भी। ठीक है, तो पेक्टोरल के अंदर हमें कितनी हड्डियां मिल गई, दो, सॉरी चार हड्डियां हमें क्या है टोटल मिल गई। पेक्टोरल के अंदर हमें कितनी मिल गई, टोटल चार हड्डियां मिल गई। ठीक है, दो हड्डियां मिलेगी आपको पैल्विक गर्डल के अंदर, जो पैल्विक गर्डल है अपने आप में क्या है, हड्डियां हैं, और दो हड्डियां क्या है ये इस तरीके से फीमर के साथ में जुड़ी हुई है, एक इस साइड से इस फीमर के साथ में और एक इस साइड से इस फीमर के साथ में, तो दोनों हड्डियां क्या है ये हमारी जुड़ी हुई है, तो पैल्विक गर्डल के अंदर अपने आप में कितनी है, दो हड्डियां हैं। ठीक है, तो ये हमारी दो हड्डियां हो जाएगी, और इनको मिला के टोटल ग्रिडल्स के अंदर जो हड्डियों की हमारी संख्या है चार और प्लस दो, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, छह हड्डियां हमारी क्या है टोटल हो जाएगी। 120 हड्डियां हमें यहां पे मिल गई थी और छह हड्डियां मिल गई हमें यहां पे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो ये पेक्टोरल गर्डल की जितनी भी हड्डियां है हमारी, ठीक है, चाहे वो स्कैपुला से रिलेटेड है या फिर ब्यूटी बोन से रिलेटेड है, ये वाली हड्डी है और चाहे ये पीछे वाली हड्डी है, ये काउंट होती है हमारी हाथों की हड्डियों के अंदर। ठीक है, तो एक साइड हमारी यानी कि हाथ में 30 हड्डियां मिल गई थी, एक ये वाली और एक पीछे वाली हड्डी। ठीक है, तो टोटल 32 हड्डियां होती है हमारे हाथों के अंदर, तो 32 और 32 64। ठीक है, तो यहां पे हमारी कितनी हड्डियां हो जाती है, 64। ये मैंने यहां पे इसलिए नहीं लिखा ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि ये गर्डल्स के अंदर इसलिए बताया ये जुड़े होते हैं, लेकिन काउंट किसके अंदर होती है, ये हमारे हाथों के अंदर ही होगी। आपसे क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर कि सबसे ज्यादा हड्डी किस ऑर्गन के अंदर पाई जाती है, तो आप कहां पे लिखोगे, हमारे हाथों के अंदर। क्लियर है, तो ये रहेगा हमारा क्या है इस प्रकार से। तो टोटल हड्डियां होगी हमारी 80 प्लस में 120 और प्लस में कितनी 6 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, यानी कि 206। इतनी हड्डियां क्या है हमें मिलेगी, मेल हो या फीमेल, हड्डियों की संख्या हमें कितनी मिलेगी, 206 ही मिलेगी। जो न्यू बोर्न बेबी होता है उसके अंदर, जो न्यू बोर्न बेबी है उसके अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होगी, 306 होगी। क्लियर है, जैसे जैसे इसकी क्या है एज बढ़ेगी, उसी तरीके से इसके अंदर हड्डियों की संख्या वो क्या है कम होती चली जाएगी। एक एज आएगी, एक अवस्था जब इसकी हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 270 से लेकर के 280 हड्डियां। क्लियर है, और जब हम बिल्कुल अडल्ट हो जाएंगे, जब अडल्ट हो जाएंगे तो यही जो हड्डियां है वो मर्ज होकर के बच जाएगी कितनी, 206। तो मेल हो या फीमेल, हड्डियों की संख्या उनके अंदर कितनी मिलेगी, 206 मिलेगी। क्लियर है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, हड्डियों का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इनके अंदर से जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो कौन कौन सी हड्डी के ऊपर किए जाते हैं। ठीक है, और हमारी जो हड्डियां हैं उनके ये जो ज्वाइंट है उनको हम क्या बोलते हैं, तो वो सारी चीजें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच।